नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। पाकिस्तान में सूफी दरगाह पर आत्मघाती हमला, 100 लोगों की मौत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सहवान कस्बे में स्थित लाल शाहबाद कलंदर दरगाह के भीतर गुरुवार रात आईएसआईएस के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट में करीब 100 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में एक सप्ताह के भीतर यह पांचवा आतंकी हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार यह धमाका सूफी रस्म धमाल के दौरान हुआ। विस्फोट के समय दरगाह परिसर के भीतर सैकड़ों की संख्या में जायरीन मौजूद थे। सहवान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमलावर ने अफरा तफरी मचाने के लिए पहले ग्रेनेड फेंका और फिर खुद को उड़ा लिया। सहवान थाने के एसएचओ रसूल बख्श ने संवाददाताओं को बताया कि करीब 100 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एडी फाउंडेशन के फैसल एडी ने इस बात की पुष्टि की है कि 60 शवों को हैदराबाद और जमाशोरा के अस्पताल में ले जाया गया है। आईएसआईएस के अपनी समाचार एजेंसी अमाक के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि आत्मघाती हमलावर ने दरगाह में शिया लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में साल 2005 से देश की 25 से अधिक दरगाहों पर हमले हुए हैं। हैदराबाद के आयुक्त काजी शाहिद ने कहा कि यह दरगाह दूरस्थ इलाके में स्थित है। ऐसे में हैदराबाद, जमशोरो, मोरो, दादू और नवाब शाह से एम्बुलेंस एवं वाहनों तथा चिकित्सा दलों को मौके पर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। सेना ने कहा कि C-130 विमान के जरिए घायलों को नवाब शाह लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की और पाकिस्तान के लोगों से एकजुट होकर खड़े रहने की अपील की है। सिंध प्रांत के गवर्नर सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान सेना से आग्रह किया है कि वे रात में उड़ सकने वाले हेलीकॉप्टर मुहैया कराए ताकि शवों और घायलों को ले जाया जा सके। गुरुवार के दिन बड़ी संख्या में लोग दरगाह जाते हैं। लाल शाहबाज कलंदर सूफी दार्शनिक शायर थे। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप निराश, यात्रा प्रतिबंध आदेश में करेंगे बदलाव। राजनाथ ने कहा कि अखिलेश ने मुलायम के अरमानों पर पानी फेरा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी की कार पर हमला। बगदाद में कार बम धमाके में 50 की मौत। मिड डे मील खाने के बाद 9 छात्र बीमार। खाने में मिला मरा हुआ चूहा।